नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के संभल में भी अब गरीबों को मिलेगा आयुष्मान से फ्री इलाज। संभल तमाम तरह की सुविधाओं को सुचारू कर लिया गया है। बुधवार को नगर के चंदोसी मार्ग गेस्ट हाउस के सामने स्थित हसीना बेगम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत का जिला अधिकारी मनीष बंसल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। आयुष्मान कार्ड के जरिए गरीब मरीजों का फ्री में इलाज किया जाएगा। भारत सरकार की आयुष्मान योजना का लाभ गरीब मरीजों को बड़ी ही आसानी के साथ मिलेगा। हॉस्पिटल के चेयरमैन सेठ कासिम ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स का भरपूर इंतजाम, बेड का भरपूर इंतजाम और तमाम तरह की मशीनें अन्य सभी सुविधाओं के साथ जनता के लिए समर्पित हैं। संभल संवाददाता मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हसीना बेगम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान की योजना लागू हो रही है, किस तरह का उद्घाटन हुआ है, किस तरह की फैसिलिटी? आयुष्मान भारत योजना जो है ये एक बहुत ही जन उपयोगी योजना है भारत सरकार की, और इसको प्रदेश सरकार ने भी लागू किया है। संभल में मैंने देखा जब मैं आया था कि सिर्फ दो ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस योजना से एम्पैनल्ड थे, तो हमने कोशिश करी कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन सभी के मैनेजमेंट को हमने बुला के उनको बोला कि इस योजना में अपने आप को एम्पैनल करें। उसी के तहत इस अस्पताल को, हसीना बेगम अस्पताल को, और साथ ही साथ टोटल 4 और अस्पतालों को हम लोगों ने यहाँ पर एम्पैनल किया है। इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जो सुविधाएँ लोगों को अक्सर मुरादाबाद जाकर लेनी पड़ती हैं वो यहाँ के ही अस्पतालों में उनको, ये पूरी कैशलेस सुविधा है। 5 लाख रुपए तक का एक प्रकार से हेल्थ बीमा है, जो किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी ऐसी कोई इमरजेंसी होती है या कोई ऐसी बीमारी होती है जिसके लिए उसको भर्ती होना पड़ता है, तो उसको 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष प्रति परिवार जो है बिल्कुल निःशुल्क उपचार मिलता है। इसमें ये अस्पताल आज यहाँ पर जुड़ा है। मेरा संभल जनपद के अन्य जितने भी निजी अस्पताल हैं आज या IMA एसोसिएशन को मेरा ये आह्वान है कि वो भी जुड़े। बहुत ही सरल प्रक्रिया है और इसमें जो क्लेम्स हैं वो भी काफ़ी अधिक सेटल होते हैं, बहुत ही तेज़ी से उनका क्लेम सेटल हो जाता है, तो अस्पताल को भी इसका फ़ायदा है और जो हमारे लोग हैं, जो जनता है, उनको तो इसका फ़ायदा है। सर, आज आयुष्मान योजना के तहत आपका शुभारंभ हुआ है, यहाँ पर क्या मामला है, क्या था ये? मामला ये है सर, संभल की जनता के लिए मैंने कोशिश करके ग्रामीण DM वाले, हमारे DM साहब की कोशिश से मतलब आयुष्मान कार्ड की फैसिलिटी ली है, क्योंकि इसलिए लिए कि पहले संभल में किसी के यहाँ था ही नहीं, और हमारे संभल की जनता परेशान थी। मुरादाबाद जाते थे, उल्टे सीधे पैसे लेकर आते थे, खर्चा करते थे, कारों से जाते थे, तो जो उन्हें जो फैसिलिटी मिलनी थी पैसों के जरिए, वो मतलब उनकी आधी तो रास्ते में और खाने में उठ जाती थी। इस चीज़ को देखते हुए हसीना बेगम हॉस्पिटल में हमने सोचा कि भाई करा जाए, मतलब ये आयुष्मान कार्ड को लिया जाए, और DM साहब ने खुद मतलब ये हमें बुला के कहा भाई सब इतनी बड़ी तुम्हारा इतना अच्छा हॉस्पिटल है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज हैं, इतने डॉक्टर हैं, तो आप आयुष्मान कार्ड लो ना, उससे जुड़ो। नहीं तो हम तो तैयार बैठे जुड़ने के लिए, हम तो संभल की पब्लिक के लिए मतलब ये सेवा के लिए मतलब अस्पताल खोला है।